हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही एक स्पेशल वीडियो है। आज हम इस वीडियो में एक लाइव मिक्सर का अनबॉक्सिंग, रिव्यू और टेस्टिंग करने वाले हैं। ये लाइव मिक्सर काफी पॉपुलर है। ये स्टूडियो मास्टर कंपनी का है। इसका जो मॉडल नंबर है ये है Air 12। ये काफी पॉपुलर लाइव मिक्सर है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसका अनबॉक्सिंग, रिव्यू और टेस्टिंग कर लेते हैं। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट हो, इस वीडियो को जरूर एक लाइक, शेयर और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। और आज के इस वीडियो के लिए आपका जो लाइक का एम है वो है 1500 लाइक्स। आपको इस वीडियो को 1500 लाइक्स करने हैं। अगर आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हैं तो हम इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स भी आपके साथ आगे चल के शेयर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के टेस्टिंग के लिए हम ये दो मॉनिटर यूज कर रहे हैं। इसका आपने पहले भी वीडियो देखा हुआ है। ये ऑडियो टोन स्पीकर के साथ है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। इसको हमने टेस्टिंग के लिए कनेक्ट करके रखा है। आज के इस वीडियो में आपको जो डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले हैं वो है विक्रम जी फ्रॉम विकीवैन यूट्यूब चैनल और ये है उनका शॉप। यहाँ पे आपको हर वो वैरायटीज के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। सो ये है स्टूडियो मास्टर Air 12। ये एक लाइव मिक्सर है। ये है इसका कुछ इंटरफेस, इस तरह से कुछ दिखता है ये लाइव मिक्सर। यहाँ पे इसका स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है। इसमें आप 12 माइक इनपुट और 12 लाइन इनपुट ले सकते हैं। इसमें आपको 3 बैंड का इक्विलाइजर भी मिल जाएगा। डिले EFX विथ इंडिविजुअल चैनल कंट्रोल, हर वो चैनल में आपको EFX देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको एक चैनल ऑक्सिलरी की मिल जाएगी। मास्टर आउटपुट बैलेंस्ड है और जैक के साथ है, ऑन बैलेंस भी आपको देखने को मिल जाएगी। स्टूडियो मास्टर का ये जो मॉडल है ये 4 मॉडल्स में आता है, Air 6, Air 8, Air 12 और Air 16। तो चलिए पहले हम इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो हमने इसको अनबॉक्सिंग कर लिया है तो चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं। सो ये है स्टूडियो मास्टर Air 12। इसके साथ आपको एक पावर कनेक्टर देखने को मिल जाएगी। चलिए इसको हम रैपर से बाहर निकाल लेते हैं। सो ये है स्टूडियो मास्टर Air 12। यहाँ पे आपको एक यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड आपको देखने को मिल जाएगी। इस लाइव मिक्सर में आपको 12 चैनल माइक इनपुट के लिए मिल जाएगी। आप इसके कोई भी चैनल में माइक इनपुट कर सकते हैं, 1 से लेके 12 तक। और आपको इस लाइव मिक्सर में 12 चैनल लाइन इनपुट भी मिल जाएगी। इसमें आपको हर चैनल के लिए गेन नॉब भी देखने को मिल जाएगी। आप इसके इनपुट के गेन को यहाँ से मैपिंग कर सकते हैं। और इसमें आपको 3 बैंड EQ मिल जाएगी, लो, मिड और हाई। आप अगर चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से EQ कर सकते हैं हर चैनल का। और यहाँ पे आपको एक ऑक्सिलरी भी देखने को मिल जाएगी हर चैनल का। आप अगर चाहें तो इसका कोई भी चैनल का आउटपुट को आप ऑक्सिलरी में सेंड कर सकते हैं। आप चाहें तो मॉनिटर के लिए ले सकते हैं या फिर एडवांस यूनिट के लिए भी ले सकते हैं। और इसमें आपको हर चैनल में एक EFX का नॉब भी देखने को मिल जाएगी। इसका यूज करके आप कोई भी चैनल को FX यूनिट में सेंड कर सकते हैं। और इसमें आपको हर चैनल में पैन की नॉब भी देखने को मिल जाएगी, लेफ्ट और राइट पैनिंग करने के लिए। और इसमें आपको हर चैनल का अलग अलग फेडर्स भी देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे आपको हर चैनल में एक पिक इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएगी। आपको हर चैनल में PFL की नॉब भी मिल जाएगी। आप अगर कोई भी चैनल में FX लाना चाहते हैं तो उस चैनल का EFX का नॉब को खोलना पड़ेगा और EFX का फेडर को भी उठाना पड़ेगा। उसके बाद आप FX यूनिट में आपके टेस्ट के हिसाब से जो भी सेटिंग आपको चाहिए आप बना सकते हैं। और यहाँ पे इसका LED इंडिकेटर, आप इसमें अपने गेंद को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसका मास्टर फेडर्स है दोनों चैनल का, और यहाँ पे स्टूडियो मास्टर की ब्रांडिंग, और यहाँ पे LED इंडिकेटर आपके गेंद स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए। और यहाँ पे हेडफोन्स के लिए एक नॉब देखने को मिलता है, इससे आप उसकी लेवल को कम ज्यादा कर सकते हैं। आप अगर कोई भी चैनल का FX यूनिट को एक्सेस करना चाहते हैं FX की सेटिंग के साथ साथ EFX की फेडर को ऊपर करना पड़ेगा। उसके बाद वो चैनल EFX यूनिट में सेंड हो जाएगी। यहाँ पे एक ऑक्सिलरी और हेडफोन के लिए जैक कनेक्ट करने के लिए स्लॉट देखने को मिलता है जो क्वार्टर इंच जैक में है। और यहाँ पे आपको ऑन बैलेंस और बैलेंस दोनों आउटपुट
मास्टर का देखने को मिल जाएगा। आप कोई भी स्लॉट से आउटपुट ले सकते हैं। सो चलिए इसको एक बार बैक साइड से देख लेते हैं। बैक साइड में हमें एक पावर स्विच देखने को मिलता है और पावर केबल कनेक्ट करने के लिए एक स्लॉट भी देखने को मिलता है और यहाँ पे हमें दो RCA कनेक्टर कनेक्ट करने के लिए देखने को मिलता है। यहाँ से आप CD इनपुट डाल सकते हैं, मतलब आप कोई भी लाइन इनपुट स्टीरियो यहाँ पे आप इनपुट कर सकते हैं। सो ऑल ओवर ये है स्टूडियो मास्टर AR12। काफ़ी अच्छा लाइव मिक्सर है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है और काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए इसको हम एक बार विक्रम जी के साथ टेस्ट कर लेते हैं। हेलो माइक चेक, हेलो हेलो, ये जो आवाज है जी क्वालिटी, रमेश जी वॉइस क्वालिटी कैसी फर्क लग रही है? अच्छे उसमें और इसमें कितना फर्क है? बहुत डेप्थ है। हेलो माइक चेक, हेलो, सिंगर को दे दो वो तो माइक ना छोड़ेगा नहीं, तुम्ही सेव करू शकता जास्त पाहिजे तर। हे हेडफोनचे आहे, त्याचा कामच नाही आहे। हॅलो हॅलो, फास्ट चालू आहे या एका बटणानं हे रिपीट तर अर्धे किंवा कमी करू शकता। आता कमी झालं रिपीट, हे जास्त आणि हे डिले फास्ट झाला। हॅलो हॅलो आणि हे स्लो, हॅलो 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 हॅलो, अर्धे अर्धे ठेवली सेट होऊन जाते, हळूहळू आत बसून जाईल तुम्हाला सिटिंग करता येईल त्याला। हॅलो माइक, हॅलो। सो दोस्तों, ये था स्टूडियो मास्टर AR12 लाइव मिक्सर। ये काफी बजट फ्रेंडली लाइव मिक्सर है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, ये काफी सिंपल लाइव मिक्सर है। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे हैं, अगर आपने अभी अभी लाइव का काम स्टार्ट किया है, अगर आप इसको परचेज करते हैं आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएंगी, आप इजिली इसका सेटिंग्स कर सकते हैं। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। आप ना मेरा वीडियो ले गए, वो भी सही है। नहीं नहीं, वो भी सही नहीं है, मेरे को भी तो डालना था ना। अच्छा, सिंगर को दे दो तो वो तो माइक ना छोड़ेगा नहीं, भगवान क्या बोले गाना बोलो ना, आधे थोड़ी सेट होऊन जाते, हळूहळू आत बसून जाईल तुम्हाला सिटिंग करता येईल त्याला। हॅलो माइक चेक, हॅलो।